इस एंटी एजिंग क्रीम को आज ही बनाएं और अपनी स्किन को बिल्कुल टाइटन करें, ब्राइटन करें और बहुत अच्छा सा अपनी स्किन पे ग्लो लेके आए, और वो भी सिर्फ 1 वीक के अंदर। तो आप मेरी स्किन देख सकते हो, अगर आप भी इस तरह से ग्लो चाहते हो तो आज ही इस क्रीम को बनाएं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एंटी एजिंग क्रीम, जो शायद मार्केट में 2000 रुपीज से कम नहीं मिलती है किसी भी ब्रांड की। अगर आप लेते हो इस क्रीम को, आप अपने घर पर भी बना सकते हो, और जितने भी इंग्रेडिएंट होंगे आपके सारे किचन में आपको इजीली मिल जाएंगे, अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे। इससे आपकी स्किन जो है वो लाइटन होगी, ब्राइटन होगी, आपकी स्किन बिल्कुल टाइट हो जाएगी और बहुत अच्छा ग्लो आपकी स्किन पे आ जाएगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो देख लीजिए इस एंटी एजिंग क्रीम को किस तरह से बनाना है, क्या क्या बेनिफिट होंगे आपकी स्किन के लिए, क्योंकि मुझे 2 वीक्स हो गए हैं इस क्रीम को यूज करते हुए और मुझे इसके अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। तो देख लीजिए इसको किस तरह से बनाना है। एंटी एजिंग क्रीम बनाने के लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगी चावल को, और यहाँ पे मैंने 2 स्पून चावल के लिए हैं, साथ में मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मसूर दाल, और 2 स्पून ही मैंने मसूर दाल के लिए हैं। आप ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हो या फिर 4 घंटे के लिए इसे कवर करके छोड़ दीजिए, और जब ये सोख हो जाए तो उसके बाद 4 घंटे के बाद आप इसे चेक कर लीजिए। तो ये देख लीजिए, ये अच्छे से मिक्स हो गई है आपस में। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक बाउल के अंदर मैं इस पानी को निकाल दूँगी। इसको आप अपने हेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, रिंग्स कर सकते हो अपने बालों में। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ऐड कर दूँगी रॉ मिल्क, यानी कच्चा दूध मैं इसके अंदर डाल दूँगी। छोटे वाला मैंने 1/2 बाउल इसके अंदर डाल दिया है, और उसके बाद इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लिया है, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी एलोवेरा जेल। और ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल को यूज़ कर लूँगी, और आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, जो भी आपके पास उस टाइम अवेलेबल हो आप उस एलोवेरा जेल को यूज़ कर सकते हो। और 1 स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। अब इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है इन सब को, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आलमंड ऑयल को। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास नारियल तेल है आप उसे यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास उस टाइम अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 स्पून जो है वो यहाँ पे मैंने आलमंड ऑयल का ले लिया। अब इन सबको मैं पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, एक मिक्सी जार यहाँ पे मैंने लिया है, और अब मैं जो है वो इसे ग्राइंड कर लूँगी। इन सबको अच्छे से पहले ग्राइंड कर लेना है। ये देख लीजिए, इस तरह से ये स्मूथ सा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक बाउल ले लूँगी और इसके अंदर इसे स्टेन कर लूँगी। ये देख लीजिए, इस तरह से मैं इसे डाल दूँगी। और जब भी आपने नाइट क्रीम बनानी है तो नाइट क्रीम को आपने थिक नहीं रखना है, आपने थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ही रखना है। ये देख लीजिए, यहाँ पे कितनी अच्छी ये क्रीम बन के रेडी हो गई है। और इसके अंदर मैंने चावल ऐड किए थे, चावल में जो था विटामिन, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्किन को रिपेयर करता है। जैपनीज कोरियन लोग जो होते हैं राइस का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तभी तो उनकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लोइंग होती है। और इससे क्या होगा, आपकी स्किन बिल्कुल टाइट हो जाएगी, पोर्स का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, दाग धब्बे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, स्किन ग्लोइंग बनेगी। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल है तो ठीक है, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैं इसे डाल दूंगी इसके अंदर, और उसके बाद इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लूंगी। ये देख लीजिए, इस तरह से। और जो मैंने इसके अंदर मसूर दाल डाली थी वो फाइन लाइंस को हटाकर एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है। मसूर दाल में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है। विटामिन बी इसके अंदर होता है जो फेस के दाग धब्बों को दूर करता है। और ये देख लीजिए, हमारी क्रीम यहाँ पे बनके रेडी हो गई है। अब मैं इसे एक कंटेनर के अंदर डाल दूँगी, और आपने इसको ज़्यादा दिन के लिए नहीं बना के रखना है, सिर्फ 5 डेज के लिए आपने बना के रखना है और इसे फ्रिज में स्टोर करके रखना है। और रात को आपने सोने से पहले इस क्रीम को यूज़ करना है 15 डेज, और उसके बाद आप अपनी स्किन को देखोगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होगी। और अब मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि आपने इस क्रीम को किस तरह से लगाना है। पहले अपने
भी इसको आपने किसी भी जो आप फेस वॉश यूज़ करते हो या DIY यूज़ करते हो, आपने उसके साथ अपने फेस को क्लीन कर लेना है, वॉश कर लेना है, उसके बाद आपने इस क्रीम को अप्लाई करना है। तो ये देख लीजिए, आपने इस तरह से अपने फेस पे लगाना है। और एंटी एजिंग क्रीम क्यों लगानी चाहिए, इससे क्या होगा, डेड स्किन आपकी साफ होगी, नए सेल्स आपके जनरेट होंगे। एंटी एजिंग क्रीम स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, उसमें नमी बरकरार रखेगी। एंटी एजिंग क्रीम स्किन को ग्लोइंग बनाती है, सॉफ्ट बनाती है, सफल बनाती है। और एंटी एजिंग क्रीम को हमेशा आपने रात को सोने से पहले ही यूज़ करना है। और जब भी आपने इसे यूज़ करना है, आपने क्या करना है, पहले इसे अच्छे से अपनी स्किन पर लगा लेना है। ये देख लीजिए, इस तरह से आपने इसे लगाना है। और उसके बाद जब ये स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, उसके बाद जो है वो आपने अपने फेस को छोड़ देना है। आप देख लीजिए, जिस तरह से मैं मसाज कर रही हूँ अपने फेस पे, आपने भी उसी तरह से अपने फेस की अच्छे से मसाज कर लेनी है इसके साथ, जो ये स्किन में हमारे अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए और जिससे आपकी स्किन बिल्कुल टाइट हो जाए। और आप 15 डेज़ के अंदर देखोगे आपकी स्किन बिल्कुल टाइट हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी, आपको मतलब खुद रिजल्ट आपके सामने होगा कि कितना डिफरेंस होगा पहले स्किन में और बाद की स्किन में। और इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे और आप हमेशा इस क्रीम को यूज़ करोगे हमेशा। और ये इस क्रीम को जो है वो यही नहीं कि जिसके फेस पे फाइन लाइन आ गई है वही यूज़ कर सकता है, इसे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा, कोई आपको नुकसान नहीं मिलेगा। और आपने इसको इस तरह से लगाना है। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट फील हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, 1 घंटे के बाद आप अपने फेस को वॉश भी कर सकते हो, नहीं तो आप नेक्स्ट डे जो है वो अपने फेस को वॉश कर लीजिए। नेक्स्ट डे आप अपने फेस को देखोगे, इतना ज़्यादा आपके फेस जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और आपके फेस पे बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाएगा। और साथ में आपने अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, हेल्दी डाइट लेनी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। आप कोई भी DIY करते हो ना, तभी उसके आपको डबल बेनिफिट मिलते हैं अगर आप अपनी डाइट का भी ध्यान रखते हो। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए रही होगी, मेरी हेल्पफुल लगे, थोड़ी सी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेमेडी के साथ।